मैं तो कह रही हूँ फौरन से उजाला की शादी रिज। हाँ अगर आप लोग मुझे उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं जो मैंने किया ही नहीं है, तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप सब ये एक बात सुन लें, ये शादी करते ही मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मैं शादी के बाद आप लोगों में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। उजाला, ये तुम क्या कह रही हो? बस मुझे यही कहना था, आप लोग शादी की तैयारियां करें, मैं बहुत जल्द इस जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था लड़की राजी है शादी के लिए, आप ही बात का पतंगड़ बना रहे थे। नहीं, भाई बात सीधी सी है, तुम्हें तो पता है बीजान की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी और सादगी से शादी हो जाए। जी 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 भाई, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। वैसे मेरी अम्मी जो है ना, उनकी भी तबीयत कुछ ठीक रहती नहीं है, और जो बड़ी बहन है उनको बच्चों और शोहर से फुर्सत मिले तो ना मेरे लिए कुछ करे। आपने तो मेरा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया भाई, थैंक यू सो मच, वरना मैं अकेला ही सारे इंतजाम कैसे करता। और तो और, हमारी फैमिली को इतनी लंबी चौड़ी तो है नहीं कि सारी रस्में वगैरह करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ भाई, रस्मों रिवाज के तो मैं भी सख्त खिलाफ हूँ, मेरे नज़दीक सबसे अहम निकाह होता है, इसलिए अपने चंद रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर आओ, निकाह करो और अपनी अमानत ले जाओ। अरे 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 भाई, जैसे आपका हुक्म हो, ताबेदार ताबेदार। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।